नमस्कार। और जिस घड़ी का था हमको बहुत दिनों से इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है आज। तो कल्याण चौबे जी बन चुके हैं हमारे नए फुटबॉल प्रेसिडेंट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वहीं पर अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जो एन ए हैरिस थे कर्नाटक के, वो बन गए वाइस प्रेसिडेंट। तो अब ये दोनों जो है वो कार्यभार संभालेंगे हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। और देखिए, ऐतिहासिक बात हुई है क्योंकि अभी तक के इतिहास में कभी भी कोई फुटबॉलर इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया था। तो पहली बार ये हुआ है कि कल्याण चौबे जी एक एक्स फुटबॉलर जो कि बने हैं प्रेसिडेंट, और जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं कि मैं स्टेट लेवल पर जाकर ग्राउंड लेवल पर काम करूंगा भारतीय फुटबॉल के लिए, बिल्कुल ये चीज़ हम देखना चाहेंगे। और ये चीज की ही प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं कि कल्याण चौबे जी जो है बिल्कुल अब तल्लीनता से इंडियन फुटबॉल को ऊपर लेके जाएंगे। और जीत की बात करें, देखिए बायचुंग भूटिया साहब और कल्याण चौबे जी के बीच घमासान युद्ध तो नहीं हुआ, क्योंकि पहले से आपको पता ही था कि पूरे जो स्टेट एसोसिएशन है वो कल्याण चौबे जी के पक्ष में थे। और फाइनल वोटिंग का जो रिजल्ट रहा वो भी कुछ ऐसा ही रहा, 33 वोट जो है वो डले कल्याण चौबे जी के लिए और एक वोट, केवल सिंगल वोट मिल पाया बायचुंग भूटिया जी को। तो बायचुंग भूटिया साहब तो इस बार नहीं रेस में टिक पाए। अब देखेंगे अगर अगले इलेक्शंस में अगर वो फिर से अपनी उम्मीदवारी घोषित करें। बाकी कल्याण चौबे जी बन चुके हैं और बिल्कुल उम्मीद की किरण बन के आया है वो हमारे भारतीय फुटबॉल के लोगों के लिए, भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि देखिए, खिलाड़ियों की बात करें या फैंस की बात करें, सभी की डिमांड यही थी कि एक फुटबॉलर ही है जो भैया बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है हमारे देश की फुटबॉल को बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल बन चुके हैं। और एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि देखिए, कल्याण चौबे जी जो है वो उस पार्टी से भी बिलोंग करते हैं जो कि देश की सत्ता जिस पार्टी के हाथ में है। तो अभी कई ऐसे राज्य भी जहां पर उसी पार्टी की सरकार भी है। जैसे आप हमारे राज्य की बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है और हमारे जो नए प्रेसिडेंट है वो भी बीजेपी से है। तो ऐसे राज्य में तो आपको कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप उन राज्यों में जहां पर फुटबॉल नहीं है और आपकी ही सरकार भी है, उन राज्यों में तो आप बिल्कुल आप धावा बोल दीजिए आपके काम का। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, ऐसे राज्यों को आपको आगे लेकर आना होगा क्योंकि यहाँ पर टैलेंट है। अगर आप उनको तरासेंगे, उनको सुविधा मुहैया कराएंगे तो आपको टैलेंट मिलेंगे। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जितने भी राज्य जहाँ से फुटबॉलर आपको देखने को नहीं मिलते हैं उच्च लेवल पर, वहाँ पर आपको, वहीं पर आपको काम करना है मेन। क्योंकि देखिए, जो मेन सिटीज बड़ी, बंगाल बात कर लें, उधर का मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इधर कर्नाटक हो गया या गोवा ले लें, ये जगह पे तो काम आप नहीं भी करोगे तो वहाँ पे काम चलते ही रहेगा, बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि वहाँ पर सब लोग अवेयर है, फुटबॉल बड़ा हुआ है। लेकिन काम की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ही आपको काम करना पड़ेगा मुख्य रूप से। और हम यही आशा करते हैं कि आप इस बात को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपने उस चीज़ को भोगा हुआ है और प्लेयर किस चीज़ को भोगता है ये तो प्लेयर ही जानता है। तो बिल्कुल हमारी उम्मीद यही रहेगी कि आपके प्रॉमिसेस पूरे आप करेंगे और बिल्कुल हमको एक नया बढ़ता हुआ, उभरता हुआ भारत देखने को मिलेगा फुटबॉल के क्षेत्र में। और मुझे लगता है कि सभी फैंस भी खुश होंगे कि कल्याण चौबे जी एक फुटबॉलर इस पद पर आया है और हम जो सोच रहे थे वो हो रहा है। तो आप बताइए, आप इस जीत से कितने खुश हैं, आप हमारे नए प्रेसिडेंट साहब से कितने खुश हैं? मैं तो खुश हूं क्योंकि देखिए, बायचुंग भूटिया साहब बनते वो भी अच्छा था, कल्याण चौबे जी बने वो भी अच्छा। क्यों? क्योंकि फुटबॉलर है और उनको पता है कि फुटबॉलर की जिंदगी में किन चीज़ों की जरूरत होती है, फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है और क्या चाहिए। तो अब देखते हैं कि पहला काम कल्याण चौबे जी क्या करते हैं। जैसे कि जब देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे मोदी साहब, तो उन्होंने पहला काम किया था स्वच्छ भारत अभियान एक लागू किया था। तो वैसे ही अभी अगर ये भी कुछ इस टाइप का खतरनाक कुछ करे कि जो खराब खराब चीज़ें चल रही होगी उनको मिटा के कुछ नई चीज़ें लेकर आए फुटबॉल के क्षेत्र में, तो देखते हैं। अभी तो आया है तो अभी कुछ शायद योजना बनाएंगे फिर उनके ऊपर काम चालू करेंगे। लेकिन हाँ, खुशी की बात है तो भैया जश्न की बात है, जश्न तो आप मनाइए। और आप जो भी आपकी राय शेयर करना चाहें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि कल्याण चौबे जी एक फुटबॉलर है और आप बिल्कुल आप जो चाहें आप एक्सपेक्ट उनसे कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है फुटबॉल का क्या काम होता है, कैसे काम होता है। तो आपकी जो भी राय है, जो भी ओपिनियंस है, आपकी खुशी जाहिर करना चाहें, आप सब कुछ कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल में अब आपको सपोर्ट करना ही है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि एक न्यू एरा जो बोलते हैं ना, नई दिशा जो है ना, वो अब शायद मिल चुकी है इंडियन फुटबॉल को। तो अब बस आगे ही आगे जाना है हमको, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है? तो आपकी कमेंट जरूर लिखिएगा, भारतीय फुटबॉल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।